कचरे का डब्बा, डस्टबिन। मैं इस वीडियो को इसी तरीके से स्टार्ट करना चाहता हूँ। मेरे अंदर इतना गुस्सा भरा है, इतना भरा पड़ा हूँ। अपने बेटे के लिए ली थी बाइक, स्कूटी, इसको स्कूटी ही बोलो, स्कूटर मत बोलो, क्यों? एकदम लड़कियों की इतना नाजुक है, हर दिन रोज़ नहीं कोई प्रॉब्लम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मुझे सिर्फ ऑप्टिमा के ख़िलाफ़ गुस्सा नहीं है, हीरो इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ गुस्सा नहीं है, मेरा गुस्सा है उन यूट्यूबर्स की तरफ जो शोरूम में जाते हैं और वहाँ से रिव्यू बनाते हैं। अरे तुम फीचर्स बता रहे हो, तुम रिव्यू नहीं बना रहे हो। रिव्यू तो यूज़र रिव्यू होता है जिसने करीब 1,000, 2,000, 3,000 किलोमीटर चलाई है। इससे ज़्यादा घटिया प्रोडक्ट, मैंने तो अपना ना पैसा पूरा जला दिया। अभी ये समझ लो करीबन 40-45 दिन हुए मेरे को मेरे बेटे के लिए ये स्कूटी खरीदे हुए, शायद ही मेरी ज़िंदगी का सबसे गलत फैसला था। पहले दिन से ही प्रॉब्लम, जिस दिन वो डिलीवरी लेके आया 3 महीने की वेटिंग के बाद, कंपनी ने 2 बैटरीज प्रॉमिस की थी और जस्ट डिलीवरी से कुछ घंटे पहले बोलते हैं कि आपको एक ही बैटरी मिलेगी, एक बैटरी होल्ड पे, जो कि 1 महीने बाद मिली। तो पहला झटका तो मुझे वहीं लग गया। उसके बाद जिस दिन लड़का जो 19-20 साल का है लेके आया, तो गाड़ी में इतनी आगे से भी आवाज़ आ रही, पीछे से भी आवाज़ आ रही है, मतलब उसका जो मड़गाट था वो आवाज़ कर रहा था, पीछे वाला स्टैंड था वो हिल रहा था और आवाज़ कर रहा था। दूसरे दिन जो साइड, क्या बोलते हैं, इंडिकेटर लेफ्ट वाला, उसने काम करना बंद कर दिया। चौथे पांचवें दिन उसकी मेन हेडलाइट ने काम करना बंद कर दिया। कुछ दिनों के बाद उसका लेफ्ट साइड का मिरर निकल के ओपन होके आ गया। अरे भैया पंचर तो हुआ ही है, हाँ बीच में एक बार पंचर भी हुआ आगे वाले टायर का। और हाँ, जब दूसरी बैटरी मिली तो उसकी हाइट इतनी ज़्यादा है कि वो सीट बंद नहीं होने देती, एक बैटरी नीचे रहती कि ऊपर रहती, तो आप सीट को बंद ही नहीं कर पा रहे, बड़ी टाइटली बंद होती है। मुझे डर है कि सीट से घिस घिस के कहीं कोई एक्सप्लोजन ना हो जाए। और ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, साइड पैनल्स में देख रहा हूँ खुल के आ रहे हैं बाहर दोनों तरफ से, लिटरली रोज़ एक नई प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अरे क्या बनाया तुमने, खिलौना भी जो होता है ना वो भी इतना फ्रजाइल, इतना कमज़ोर। तभी मैं कह रहा हूँ स्कूटी है, ये लड़की है, ये रोबस्ट नहीं है, बिल्ड क्वालिटी इतनी पुअर है। मैं तो फीचर्स की बात ही नहीं करना चाहता, हाई स्पीड क्या है छोड़ो, कलर कैसा है छोड़ो, अपीयरेंस कैसी छोड़ो, अरे जो बिल्ड क्वालिटी नहीं है तो इन सब के बारे में बात करके फ़ायदा क्या? ये गाड़ी तो 2-3 साल में निपट जाएगी, इसे यूज़ एंड थ्रो। अरे जैसे यूज़ एंड थ्रो रेज़र नहीं आते, 2-4 बार शेव करी फेंक दिया, एग्जैक्टली यही है ये। इसकी बैटरी 3 साल की है लेकिन मुझे डाउट है 3 साल चलेगी। मैंने कम से कम दर्जनों प्रॉब्लम्स देख ली हैं 30-40 दिन के अंदर, हीरो ने उसमें से 80% फिक्स कर दिए, नो डाउट, लेकिन क्या फ़ायदा? तो मेरा आपको यही सजेशन रहेगा कि आप हीरो इलेक्ट्रिक की कोई गाड़ी मत लो, ये बिल्कुल रिलायबल कंपनी नहीं है। आप थोड़ी रोबस्ट गाड़ी लो। ये तो कचरे का डब्बा, मेरा तो कभी भी मन करता है कि दोनों बैटरीज निकाल के फेंक दूं और जो दो हॉलो कैविटीज़ हैं एक में गीला कचरा डाल दूं, एक में सूखा कचरा डाल दूं, बिकॉज़ यही इस गाड़ी की औकात है। आप कोई रोबस्ट गाड़ी ले लो, इलेक्ट्रिक गाड़ी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ मैं। अरे हाँ, इसकी ड्रम ब्रेक बहुत ही बेकार है, लगते लगते ही बहुत टाइम लग जाता है, तब तक तो शायद कोई ठुक भी जाएगा। और इसके इस पर लिखा वेट बीरिंग कैपेसिटी 150, रिलाय मत करना, 100 किलो के ऊपर मत जाना। मैंने तो अपने बेटे को स्ट्रिक्ट हिदायत दी है, बेटा सिंगल सीटर चलाओ, गाड़ी में कोई दम नहीं है, देख दिन तो 2 टुकड़ों में टूट जाएगी, इतनी फ्रजाइल है। और इसके जो शॉक एब्जॉर्बर्स हैं हुए नहीं हुए एक बराबर, पेट में इतने झटके लगते हैं ना, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कुछ अच्छा है क्या जो मैं इसके बारे में आपको बताऊं, कुछ भी अच्छा है क्या?
एक तो स्टार्टिंग ही 3 महीने की वेटिंग थी। मैंने सुना कि लोगों को 6-6, 9-9 महीने की वेटिंग है। मैं तो ट्विटर पर जाकर सबको बोल रहा, भैया मत खरीदो, अच्छा तुम्हें गाड़ी नहीं मिली। नहीं तो रोज़ एक इशू देखने को मिलता है, कभी कोई स्क्रू गिर गया, कभी कोई स्क्रू ढीला हो गया। हाँ, मुझे एक चीज़ जो है ना ठीक ठाक लगी, वो इसकी बैटरी की क्वालिटी और इसके चार्जर की क्वालिटी, और द फैक्ट दैट आपको 2 चार्जर्स 2 बैटरीज मिलती हैं। और मेरे को इसकी कीमत सिर्फ 52,250 के आसपास पड़ी विद ऑल द सब्सिडीज इन महाराष्ट्र। वो मेरे लिए एक अच्छी बात थी। यू हैव अ गुड डे।